हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इस सेशन में एलिमेंट ऑफ शेप। तो शेप एक बेसिक एंटिटी है जो लाइन के एक साथ आने से बनती है, फिर वो शेप चाहे नेचुरल हो एक साथ आए हुए, या फिर वो कई शेप का कॉम्बिनेशन, या कोई नेचुरल एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी हो। शेप्स की तीन प्राइमरी कैटेगरीज आती है, ज्योमेट्रिक शेप्स, मॉडिफाइड शेप्स और ऑर्गेनिक शेप्स। ज्योमेट्री की बात करें तो द बिग थ्री, जिसमें आते हैं सर्कल, ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। सर्कल की बात करें तो सर्कल यानी कंप्लीट सर्कल ऑफ लाइफ, ये कई सारे पॉइंट के कंजंक्शन से बनता है और ये सेंस ऑफ होलनेस दिखाता है, अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, और इसमें कहीं भी कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। ट्रायंगल एक तरीके से डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाता है, फिर वो किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, वो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन प्रोड्यूस करता है। और उसी ट्रायंगल को अगर हम लोग अलग से देखें तो एक सेंस ऑफ बैलेंस भी जनरेट करता है, या फिर एपेक्सनेस लाइक अ माउंटेन टॉप या कोई हायरार्की। और बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो अपनी तरफ देखिए, आप सब लोग रेक्टेंगल से घिरे हुए हो। अपनी चारों तरफ देखिए, आपका सेलफोन, आपका लैपटॉप, फ्रेम, विंडो, डोर, वॉल, सभी कुछ रेक्टेंगल है। और इसके विपरीत नेचर में कहीं भी आपको रेक्टेंगल नहीं मिलता, तो रेक्टेंगल का होना ही अपने आप में मैनमेड डिजाइन को इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं हमारे शेप के मॉडिफायर्स की, जिसमें आते हैं राउंडिंग, स्कीविंग और सबसे लास्ट में आता है आपका रोटेशन। राउंडिंग, शार्प एंगल्स हमेशा सेंस ऑफ परफेक्शन दिखाते हैं, भाई उसे राउंड करने पर वो थोड़े से लवेबल और क्यूट दिखते हैं, और इसीलिए आप देखो आपके जनरली सारे आइकॉन्स राउंड होते हैं। वेयर स्कीविंग अ सेंस ऑफ थ्री डिमेंशनलिटी या स्पीड इंडिकेट करता है, और रोटेशन उसका मीनिंग कंप्लीटली ही बदल देता है, और इसीलिए शेप के मॉडिफायर्स काफी इंपैक्टफुल होते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक शेप्स की, जो प्रमुखता दो कैटेगरीज में आते हैं, एक सिमेट्रिक और दूसरे असिमेट्रिक। अब बात करते हैं सिमेट्रिक शेप्स की, जिसकी लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम होती है, बट असिमेट्रिक में ये बैलेंस मौजूद नहीं होता। यानी एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सारे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में आते हैं जिनकी लेफ्ट और राइट बैलेंस होती है, और इसीलिए आपका दिमाग बैलेंस का ना होना बहुत जल्दी नोटिस करता है। वेयरएज एक बादल, कलर स्प्लैश या कोई टहनी या एक रैंडम लाइंस भी हम असिमेट्रिकल कह सकते हैं। तो इस तरह शेप आपको वो ताकत देता है एक डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप दुनिया को एक अलग वे से देख सकते हो। जैसे कि एक शेप को सिर्फ लाइन में देखना मुश्किल होता है, खासकर ड्रॉ करते वक्त, वही उसे कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे शेप्स का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरह देखेंगे तो काफी इफेक्टिवली आप कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। और यही आज हमने देखा द एलिमेंट ऑफ शेप में। थैंक यू।